रविवार को राजपुरचुंग स्थित अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। रविवार को राजपुर चुंगी स्थित अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद सर्वेश पाठक मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू हुए। 10 गाड़ी मेरे साथ फतेहाबाद बागी मेरे साथ आई है और 2 गाड़ी और पीछे आ रही है। अध्यक्ष जी हमें बराबर फोन कर रहे थे, भाई साहब पांडे जी, मैंने भाई साहब मैं आ रहा हूँ लेके, और अगली साल जब मीटिंग होगी तो और भीड़ इससे ज़्यादा इकट्ठी होगी, ये मेरा मानना है। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संस्था हमारे मनोज भैया के महासंस्था करके यहाँ पे आपने मुझे आमंत्रण भेजा था। मनोज भैया इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, हमारे मनोज पांडे जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आगरा तो वैसे बहुत कार्यक्रमों में मैं आता रहता हूँ, लेकिन जब इन्होंने बताया कि ब्रह्म समाज का एक कार्यक्रम है जिसमें आपको आना है, तो मुझे इस बात को अच्छा लगा कि भाई ठीक है, अपने समाज के लिए कोई कार्यक्रम मनोज भैया ने किया है तो उस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर था। कार्यक्रम में आए अतिथियों का आयोजन समिति ने स्वागत साफा पहना कर किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ताज नगरी से ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से काफी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। सम्मेलन में मौजूद कैलाश मंदिर के महंत निर्मल गिरी ने सम्मेलन को समाज के लोगों को जोड़ने का एक अच्छा विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलन समय की जरूरत है। आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था जो विप्र समाज के अलावा भी अन्य समाज के लोग हैं जो देश के लिए, शहर के लिए, आगरा शहर के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं, उन सभी का सम्मान समारोह रखा गया यहाँ पर, और साथ ही जितने भी महंत है आगरा के उन सभी महंतों को बुलाया गया सम्मान के लिए, जिससे उनका सम्मानित हो सके। साथ ही उन सभी लोगों का सम्मानित करने का विचार रखा गया जो पत्रकार बंधु हैं हमारे, उनका भी सम्मान किया जाए। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं ब्राह्मण महासभा का, जो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा है उसका कार्यक्रम है, उसको सफल बनाना है, और जो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी माना जाता है और यही उसकी कमजोरी है, क्योंकि आज हमें नेतृत्वहीन हो रहे हैं। हमें एक छत्र आज 30 संगठन काम कर रहे हैं। मेरा पाठक जी से भी यही बात हुई थी कि भाई क्यों ना हम इकट्ठे होके ये सब संगठनों को जोड़ के एक अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा बनाएं, और इस मामले में हमारे माननीय पांडे जी, मनोज पांडे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के ग्रंथों पर हो रही टिप्पणी पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उनका कहना था कि समाज के किसी भी व्यक्ति ने रामचरितमानस पर हुई टिप्पणी पर विरोध नहीं जताया, इससे वह आहत नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों में ब्राह्मण का शोषण हुआ है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी ब्राह्मणों को संगठित होने की जरूरत है। बहुत अच्छा प्रयास है जो आज यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। इस तरीके के प्रयास पूर्व में भी होते आए हैं और आज भी एक नया प्रयास हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि नवरात्रों की वैसे संख्या थोड़ी कम है, पर इन लोगों ने, आयोजन समिति ने अथक प्रयास किए हैं, क्योंकि पूरे आगरा शहर के अंदर मैंने होर्डिंग देखे ब्राह्मण महासभा के, परंतु संगठन बनाना बहुत सहज है, संगठन को निर्वृत चलाना बहुत कठिन है। आज सबसे ज़्यादा जो विडम्बना का विषय वो ये है कि अभी हमारे ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप बहुत सहजता से लगा देता है और ब्राह्मण उसको हंस के सहन कर जाता है और ये कहता है छोड़ो यार, क्यों विवाद में पड़ना। पर जो हमारा ग्रंथ है रामचरितमानस, उस पर एक तुच्छ व्यक्ति ने आरोप लगाया और किसी भी ब्राह्मण समाज ने उसके लिए नहीं बोला, तो इसके लिए मुझे खेद भी है। अभी मैंने वहाँ भी ये बात बोली, तो हम लोग आपस में मतभेद हो सकते हैं वो एक अलग विषय है, पर हमको जब हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे धर्म पर या हमारे किसी भी सम्मानित व्यक्ति पर जब इस तरीके के आरोप लगे, तो हमें इसी प्रयास से, इसी तरीके के प्रयास रखने चाहिए कि हम संगठित होकर उसका जवाब दे सकें। राजपुर चुंगी क्षेत्र में हुआ ब्राह्मणों का सम्मेलन समाज को जोड़ने का यह अच्छा प्रयास है, जो कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए त्रुप का एक का साबित हो सकता है। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।